अर्बन का शहरी क्षेत्र का मतलब 8 मेट्रो या 25 मेजर सिटी या कैपिटल सिटी या 100 मेजर सिटी नहीं है, 6,500 अर्बन, जहां नगर पालिका है और नगर निगम है वो क्लासिफाई होते हैं अर्बन की शहरी क्षेत्र में, और वो 6,500 है, और वो केवल कंट्रीब्यूट करते हैं 30% जनसंख्या को। तो इस 30 का 1/3 यानी 10 पॉइंट, और वो 70 का 70, ये 80% लोगों का जीवन जो है जो सरकार चुन के वो भेजेंगे उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो बड़ी बारीकी से वो सरकार को चुनते हैं, क्योंकि उनके जीवन का सवाल है, चाहे रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन प्रणाली और कानून व्यवस्था, ये जो बेसिक चीजें हैं उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि 19 के चुनाव में आप ये कोशिश सोच सकते हैं कि 70% जनसंख्या टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी शौच के लिए, 50 करोड़ के नए बैंक अकाउंट खुले 14 से 19 के दौरान, जी इंदिरा आवास योजना पहले से थी इंदिरा गांधी जी के समय, जब उसमें जो स्केल और स्पीड जो आई है, विस्तृतता आई है जो पूरे के पूरे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। 70% से भी ज्यादा लोग चूल्हे में खाना बनाते थे जो कि लकड़ी और कोयले के ऊपर निर्भर रहते थे, उन महिलाओं की वो स्थिति आप सोच सकते हैं। और आवास योजना के तहत सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं को एक गरीब महिला के घर के ऊपर ज्वाइंट अकाउंट क्यों ना हो, नाम हो जाए, घर हो जाए, उसकी कल्पना आप कर सकते। तो ये सारे के सारे काम किए इस 5 साल के दौरान, और इनकी खूब चर्चा की 19 के चुनाव में। वो ठीक है, आप लोग जी कहते हैं बालाकोट हो गया, मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं। बालाकोट ना भी होता तो परिणाम जो 350 सीट के आसपास आती, सीटें 10-15 सीटें आप कम कर, मैं मोर देन कन्विंस्ड हूं उस समय भी और अभी भी कि उसका कोई जी लेना देना नहीं है इतनी बड़ी जीत में। ठीक है, वोट शेयर में और जीत के अंदर में फर्क हो सकता है, बट फर्क आ सीटें सकता इतनी है। बात करते हैं। 24 के चुनाव में भी आप इस चीज को भूल रहे हैं, उन्होंने विकसित भारत की बात करी है, वहीं से शुरुआत करी है कि मेरे पास भाई 2047 तक का प्लान है, अभी तक आपको मैंने बेसिक सुख सुविधाएं देने की कोशिश की है, अब जो है आपके जीवन में दो बड़ी बातें जो हमेशा रहेंगी, एक है बेरोजगारी और एक है महंगाई, ये जो दो जी मुद्दे ऐसे हैं जो 50 साल पहले भी थे और 50 साल बाद।